जापान से आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जापान में मशहूर बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को कल पुर्जे देने वाली कोबे स्टील लिमिटेड जाली आंकड़े देने के विवाद से घिर गई है। बुलेट ट्रेन बनाने वाली दो कंपनियों ने पाया कि कोबे स्टील द्वारा दिए गए कल पुर्जों की गुणवत्ता मानक स्तर से कम थी। तो आइए जानते हैं लाइव 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। जापान में मशहूर बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को कल पुर्जे देने वाली कोबे स्टील लिमिटेड जाली आंकड़े देने के विवाद से घिर गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बुलेट ट्रेन बनाने वाली दो जापानी कंपनियों ने पाया है कि कोबे स्टील द्वारा बनाए गए ट्रेन के कई कल पुर्जे मानकों के अनुरूप नहीं है। 112 साल पुरानी कोबे स्टील ने इसके लिए माफी भी मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन के पहियों से लेकर कार और डिविड तक में कम गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया था। रविवार को ये खबर जापानी मीडिया में आई कि कोबे स्टील ने एल्यूमिनियम और कॉपर की गुणवत्ता के बारे में गलत आंकड़े दिए थे। कोबे स्टील टोयोटा मोटर कॉर्प और जनरल मोटर कॉर्प को विभिन्न तरह के सामग्री की आपूर्ति करती है। इन कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाली कारों, ट्रेनों और हवाई जहाजों में कोबे स्टील की सामग्री का प्रयोग होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कोबे स्टील सबसे ज्यादा मुनाफा लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर बेचकर कमाती है। पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद मुंबई के बीच जापान की मदद से बनने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना का उद्घाटन किया था। कोबे स्टील से जुड़े विवाद का असर भारतीय परियोजना पर पड़ने की भी आशंका है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। ये बुलेट ट्रेन परियोजना साल 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक पहुंचा सके पहचान सच्चाई की। मैं दीपा, अराइव 24 न्यूज़।